दोस्तों, वीडियो का थंबनेल तो आपने देख लिया होगा कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप आईटी फील्ड से हैं तो आप किस तरह से एक अच्छी जॉब पा सकते हैं और अभी इस कंपनी में किस किस चीज़ के लिए हायरिंग चल रही है। आपको कुछ नहीं करना है, पूरा प्रोसेस मैंने वीडियो में बताया है। आपको पूरी वीडियो अच्छे से देखनी है और पूरी वीडियो को देखने के बाद सेम प्रोसेस करके आप भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो, ये कंपनी अच्छी है, मैंने खुद देखी है, वहाँ पर जो वर्क करते हैं उनसे मेरी बात हुई है क्योंकि मैं भी वहीं वर्क करता हूँ। तो वो है, हमारा जो है 47 है और उनका जो है 63 प्लॉट है। तो आप इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको एकदम से अच्छी जॉब मिल जाएगी अगर आपका हो जाता है तो प्रोसेस को पूरा देखें। और साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, देखो वीडियो को 30 दिन बाद या 15 दिन बाद 20 दिन बाद देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही नोटिफिकेशन आपके पास आता है तभी उस वीडियो को देखें और तुरंत उस चीज़ को अप्लाई कर दें जो भी मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से एक न एक दिन आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। ठीक है, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना क्रोम ओपन कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर सर्च करना है इंडीफी, ये मैंने सर्च कर रखा है। फिर ये लोकेशन आएगी कहाँ पर है, ये सेक्टर 44 में है, लॉट नंबर 63। ये आएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इंडीफी की। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका वर्क क्या है, ये जो है लोन प्रोवाइड कराती है ये कंपनी। इसका टाई अप रहता है बहुत सारी कंपनीज के साथ, जैसे कि आप देख सकते हैं आदित्य बिरला, IDFC, IFL, DMI फाइनेंस, तो इनके साथ इसका टाई अप रहता है। अब मैं दिखाता हूँ इसमें आपको जॉब के लिए कि आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे आएंगे, यहाँ पर करियर्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो अभी जो हायरिंग चल रही है वो टेक्नोलॉजी में चल रही है, आईटी फील्ड में। एंड्रॉयड डेवलपर, इंजीनियरिंग मैनेजर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, जावा बैकएंड डेवलपर, नोड JS डेवलपर, टेक लीड और UI डेवलपर। चलो मान लेते हैं कोई UI डेवलपर बनना चाहता है, मतलब इसमें अप्लाई करना चाहता है उसके लिए, तो लर्न मोर पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे। यहाँ पर सारी इसकी डिटेल लिख रखी है कि कितने साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या क्या आपको आना चाहिए उसके अंदर, HTML, CSS और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, आप इसको पढ़ लेना। आपकी जो है, अगर ये आप कर चुके हैं ये सारी चीज़ें, आपको इन चीज़ की नॉलेज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, जब अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा और जॉब डिटेल्स आ जाएगी। उसके बाद नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे और यहाँ पर अप्लाई नाउ आप कर सकते हैं। नंबर डालेंगे, कैप्चर पर क्लिक करेंगे, OTP आएगा, वेरीफाई करके सारे डिटेल फिल कर देना, आपके पास कॉल आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारी यहाँ पर जॉब्स हैं, अगर कोई IT फील्ड से है तो यहाँ पर जॉब पा सकता है, एक अच्छी कंपनी है। और अगर आप एक बार हो जाता है तो हाइब्रिड यहाँ पर जो है वर्क है, मतलब ऑफिस से भी कर सकते हैं और कहीं और भी जगह हैं आप तो वहाँ से भी कर सकते हैं वीक में। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको अप्लाई करना चाहिए हर जगह पर। अगर एक जगह से रिस्पॉन्स नहीं आएगा, दूसरी जगह से नहीं आएगा, तीसरी जगह से नहीं आएगा, कहीं से तो आएगा आपके लिए रिस्पॉन्स। तो आप हर जगह अप्लाई करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बाद में वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। तो जब आपके पास जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तुरंत वीडियो को देखें, उस वीडियो को देखने के बाद उस चीज़ पर वर्क करें जो मैं कहता हूँ, उसको अप्लाई करें। एक ना एक दिन आपको रिस्पॉन्स मिलेगा और आपकी जॉब कहीं ना कहीं लग जाएगी। तो ऐसे फ्री बैठने से भी कुछ नहीं होगा, केवल वीडियोज़ देखने से भी कुछ नहीं होगा, अप्लाई तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।